कौन सा है? राम شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين खुदा ताला की सिफ़त सलाम से मुतल्लिक़ जो सिलसिला खुतबात का जारी था ये उसकी आखिरी किस्त है और इस मुख्तसर खुतबे में मैंने सलाम के जो पहलू रह गए थे बाकी उनको बयान करने की कोशिश की है। पहले सूरह यासीन की आयत है, इन्ना असहाबुल जन्नत अल्यौम फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून हूँ वाजवाजहुम फ़ी ज़िलालिन अल-अराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकियतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम। सूरह यासीन 56-59। यकीनन अहले जन्नत आज के दिन मुख्तलिफ दिलचस्पियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और वो और उनके साथी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे, उनके लिए उसमें फल होगा,
और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। सलाम कहा जाएगा रब्बे रहीम की तरफ से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ये मोमिन न बन जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊँ कि जैसे अगर तुम बजा लाओ तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे? वो अमल ये है, तुम सलाम फैलाओ, अफ़्सुस सलाम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मुखातब करके फरमाया, मेरे बेटे जब तू अपने घर वालों के यहाँ जाओ तो सलाम कहा करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे अहले खाना के लिए खैर व बरकत का मूजब होगा। बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार शख्स पैदल को सलाम करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के तमाम पहलू बयान फरमा दिए हैं, कौन पहले सलाम करेगा, कौन बाद में उसका जवाब देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अपने भाई से मिले तो उससे सलाम करे, और उन दोनों के दरमियान कोई दरख्त या दीवार या चट्टान हायल हो जाए फिर दोबारा उससे मिले तो दोबारा सलाम करे, यानी एक दफ़ा सलाम काफ़ी नहीं, फिर मिले फिर बेशक सलाम करे। बुखारी किताबुल क्या नाम पढ़ नहीं जा रहा, बुखारी में है ये हदीस। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद के करीब से गुजरे। अब ये गौरतलब बात है, मस्जिद के करीब से गुजरे जिसमें मुसलमान, मुशरिक, बुतपरस्त और यहूदी सब बैठे हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को सलाम किया। अब ये हाल है आजकल कि अहमदियों को सलाम के जुर्म में कैद किया जाता है और अज़ियत पहुँचाई जाती है। एक दफ़ा एक अहमदी को जिसने सलाम कर दिया था एक मौलवी साहब को, पकड़ के थानेदार के पास ले गए और बहुत ज़ोर दिया कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा करो, इसने हमें सलाम कहा है। तो थानेदार बड़ा पक्का था, उसने कहा अब तो मैं मुकदमा नहीं करूँगा बहरहाल, लेकिन उसको मुखातब करके कहा कि देखो अगर आइंदा तुम पकड़े हुए आए ना तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ ज़रूर मुकदमा करूँगा, लेकिन एक शर्त से तुम बच सकते हो कि जब इनको देखो इन पर लानत डाला करो, सलाम नहीं करना दोबारा। उससे कहा फिर भी फिक्र नहीं, मैं आइंदा इन लोगों पर लानत ही डालूँगा। तो ये अजीब है कि आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफ़्सुस सलाम कहते हैं, मुशरिक भी बैठे हुए हैं, यहूदी भी बैठे हुए हैं, सब के दरमियान आपने सलाम कहा, और इन लोगों का यह हाल है कि सलाम के जुर्म में सजाएं देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस ज़माने में इस्लाम के अक्सर उमरा का हाल सबसे बदतर है, वो गोया ये ख्याल करते हैं कि वो सिर्फ खाने पीने और फिस्क व फजूर के लिए पैदा किए गए हैं, दीन से वो बिल्कुल बेखबर और तकवा से खाली और तकब्बुर और गुरूर से भरे हुए हैं। अगर एक गरीब उनको अस्सलामुअलैकुम कहे तो उसका जवाब में वालेकुम सलाम कहना भी अपने लिए आर समझते हैं, बल्कि गरीब के मुंह से इस कलमा को गुस्ताखी का कलमा, बेबाकी की हरकत ख्याल करते हैं। हालांकि पहले ज़माने के इस्लाम के बड़े बड़े बादशाह अस्सलामुअलैकुम में कोई अपनी कसर शान नहीं समझते थे, मगर ये लोग तो बादशाह भी नहीं हैं, फिर भी बेजा तकब्बुर ने उनकी नज़र में ऐसा प्यारा कलमा जो अस्सलामुअलैकुम है, जो सलामत रहने के लिए एक दुआ है, हकीर करके दिखा दिया है। बस देखना चाहिए कि ज़माना किस कदर बदल गया है कि हर एक शियार इस्लाम का तहकीर की नज़र से देखा जाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलाम तो वो है जो खुदा ताला की तरफ से हो, खुदा ताला का सलाम वो है जिसने इब्राहिम को आग से सलामत रखा, जिसको खुदा की तरफ से सलाम ना हो बंदे उस पर हज़ार सलाम करें उसके वास्ते किसी काम नहीं आ सकते। कुरान शरीफ में आया है, सलाम उन कौलम रबीम। फिर फरमाते हैं, तुझे सलामती है ये रब रहीम ने फरमाया है, ये अकीदुल महदी में है। फिर फरमाते हैं, तुम सब पर उस खुदा का सलाम जो रहीम है।
अब इस ज़मन में मैं एक दिलचस्प बात आपको सुना देता हूँ। हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन में बहुत बीमार हो गए और बचने की उम्मीद नहीं थी। हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो इल्हाम हुआ सलामुन कौल मिन रब्बिर रहीम, उस पर सलामती हो कौल सलाम रब्बिर रहीम की तरफ से। जब हज़रत मीर साहब की वफ़ात हुई है तो उस वक्त डॉक्टर बड़ा ज़ोर लगा रहे थे कि किसी तरह इनको बचाएं, और हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे कि इसको क्यों तकलीफ में लंबा कर रहा हो। आखिर डॉक्टरों ने छोड़ दिया और या सूरह यासीन की तलावत शुरू हुई, तो ऐन इस वक्त जब सलामुन कौल मिन रब्बिर रहीम था हज़रत मीर साहब का दम टूट गया। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, अल्लाह ताला का निशान। बचपन में जो खुदा ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी थी वो बड़े होकर, कितने बड़े होकर किस शान के साथ पूरी हुई है। क़ीला या नूहु बित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उम्मिन मम्माक व उम्मुन सुनवत्तुहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। तब कहा गया कि ऐ नूह, तू हमारी तरफ से सलामती के साथ उतर और उन बरकतों के साथ जो तुझ पर हैं और उन कौमों पर भी जो तेरे साथ सवार हैं। कुछ और कौमें भी हैं जिन्हें हम ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। इसके लिए कोई तफ़सीली नोट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वाज़े है। हज़रत नूह को खुदा तआला ने जब सलामुन कहा था तो इसके साथ और कौमों के फ़ायदे का भी वादा किया गया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फिर जो हदायत फैली है, आपके ज़रिए से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुख्तलिफ़ कौमों में हज़रत नूह के मानने वाले फिर अंबिया बने और बड़े बड़े उनमें साहिब वलायत बुज़ुर्ग पैदा हुए। तो हज़रत नूह को जो सलाम खुदा की तरफ से था उसका ये नतीजा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत नूह के पैरोकारों में से थे। 60 साल की उम्र तक वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, ये कुरान करीम में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के पैरोकारों में से थे। ये 60 साल की उम्र तक वाक़िया हुआ है। ये उम्र बनती है 550 साल के लिहाज से हज़रत नूह के, और कुरान करीम में सिर्फ़ हज़रत नूह की उम्र का ज़िक्र है और किसी नबी का ज़िक्र नहीं। बस कुरान करीम का हर लफ्ज़ हिकमत से पुर है और एजाजी कलाम है। चुनाचे 60 साल के बाद फिर हज़रत इब्राहीम को अपनी शरीयत अता हुई। सूरह मरियम में है या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वह व आतैना अल-हुक्म व सबिया व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातम व काना तकिया व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतो व यौम युबअथु हय्या। अब इसमें ख़ास तवज्जो के बायस के लायक ये बात है कि हज़रत यहया को जब कहा गया कि खुज़िल किताब बिकुव्वह, किताब को क़ुव्वत से पकड़ ले, तो साथ है आतैनाहुल हुक्म सबिया, बचपनी से हमने उसको हिकमत अता फरमाई थी। हनानम मिल्ला दुन्ना व ज़कात, हमारी तरफ से रहमत व शफकत का सलूक था उसकी तरफ उससे, और ज़कात की भी तलकीन फरमाई थी। व काना तकिया, बहुत ही मुत्तकी इंसान था। आगे बर्रम ब वालिदै है व लम यकुन जब्बारन असिया, अपने वालदैन के लिए वो बहुत ही नरमी का गोशा रखता था और बर था और जब्बार व शकी नहीं था। सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतो व यौम युबअथु हय्या, उस पर सलाम हो यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ व जिस दिन वो फौत होगा, यानी मौत उसको आ लेगी, वह यौम युबअथु हय्या, और जिस दिन वो हय के तौर पर खड़ा किया जाएगा। अब हज़रत मरियम के मुतल्लिक
हज़रत ईसा के मुतल्लिक ये फ़र्क है दोनों की ज़ुबान में, वहाँ वालदैया था, यहाँ सिर्फ़ वालदती का ज़िक्र है। इससे वो लोग जो शक पैदा करते हैं कि हज़रत ईसा का भी बाप था कोई, इसका पता नहीं लगा, ये गलत है। वो हज़रत यूसुफ़ के बेटे नहीं थे, वो बिन बाप के पैदा हुए हैं। और इसीलिए अब इस आयत से कतई तौर पर साबित हो जाता है कि हज़रत यूसुफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपनी वालदा के लिए दुआ की है, वालदैन के लिए नहीं की। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, मुझे मुबारक बना दिया है जहाँ कहीं मैं हूँ और मुझे नमाज की और ज़कात की तलकीन की है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, तो अपनी माँ से उसने सलूक वाला बनाया है और मुझे सख्त गिर और सख्त दिल नहीं बनाया। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मुझे जन्म दिया गया और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके मबूस किया जाऊँगा। ये है ईसा बिन मरियम, ये वो हक है जिसमें शक कर रहे हैं। अब इस ज़मीन में एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हज़रत जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि जब मैं ज़कात में जो ज़कात का हुक्म दिया गया है, नमाज का हुक्म दिया गया है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, तो ये बचपन का कलाम है। तो बचपन में तो हज़रत मसीह पर कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी, लाजमन आप रोया देखते थे जिसमें खुदा ताला ने आपके बड़े हो के नबी बनने का ज़िक्र किया था और बताया था कि तुम बड़े मकाम पे पहुंचने वाले हो, और उस वक्त फिर ज़कात का हुक्म है, उससे पहले का नहीं है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल गरीब और फ़कीर थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो फिर ज़कात कैसे फ़र्ज हुई? तो ये भी गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास यकीनन कुछ अपना था जिसकी वजह से ज़कात बनती है, वरना ज़कात का यहाँ ये आम माना लेना पड़ेगा कि खुदा के रास्ते में कुछ दो। एक तो ज़कात वो है जो इस्लामी इस्तिलाह में 40वें हिस्से पर फ़र्ज आती है, और एक ज़कात वो है जो महज़ खुदा की खातिर देना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ज़कात का लफ्ज़ है वो गालबन इसी माने में है कि अल्लाह की खातिर खैरात करते रहो, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आदत थी, आप हमेशा बहुत ही ज़कात किया करते थे, खैरात किया करते थे। लेकिन याद रखें कि ये बचपन में रोया है, बचपन में आप कलाम कर रहे थे उस वक्त ज़कात देने का कोई हुक्म नहीं था। फिर है वनादैना हुआ या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया इन्ना कज़ालिक नज़िर मोहसिनीन इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम व तरकना अलैह फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिक नज़िर मोहसिनीन। तब हमने उसे पुकारा कि या इब्राहिम, यकीनन तू अपनी रोया पूरी कर चुका है, यकीनन इसी तरह हम यकी करने वालों को जज़ा दिया करते हैं। यकीनन ये एक बहुत खुली खुली आजमाइश थी, और हमने एक ज़िबह अज़ीम के बदले उसे बचा लिया, और हमने बाद में आने वालों में उसका ज़िक्र खैर बाकी रखा, इब्राहिम पर सलाम हो, इसी तरह हम यकी करने वालों को जज़ा दिया करते हैं। इस आयत करीमा में जो गौरतलब बात है वो ये है कि मुसलमान उलमा अमूमन ये एक बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ज़िबह करने लगे थे और तल्लाहुल्जबीन और पेशानी के बल अपने बेटे को लेटा दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तूने अपनी रोया पूरी कर दी और उसको एक ज़िब अज़ीम के बदले बचा लिया। वो समझते हैं कि ज़िब अज़ीम एक बेटा था, वो तो हज़रत इस्माइल की बहुत बड़ी हतक है कि उनको ज़िबह करने की बजाय आपने वो बकरे पर छुरी फेर दी, क्योंकि बहुत बड़ा ज़िबह था, बहुत बड़े साहिब अमर इंसान चीज़ थी, बिल्कुल झूठ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर ये फरमाई है कि ज़िबह अज़ीम से मुराद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कसरत से सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, वो ज़िबह अज़ीम है
जिसकी खातिर उनको ज़िंदा रखा गया। और कद सद्दक़्त रोया से एक मुराद ये भी है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब बेआब हो गया, वादी में छोड़ गए थे, तो रोया तो पूरी हो गई थी, ये मतलब था उस रोया का। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत एहतियात फरमाया करते थे, आपको हमेशा फ़िक्र रही कि शायद इसका ज़ाहरी माना हो। तब अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि ज़ाहरी माना क्या, तू पहले ही रोया पूरी कर चुका है। और अरा का मतलब है मैं देखता हूँ, ये अक्सर ये देखा करता हूँ कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ। फरमाया इब्राहीम तूने तो रोया पूरी कर ही दी, अब तू ज़िबा क्या करता है। मगर बहरहाल आपको जो बचाया गया है, किसी हदीस पे नहीं है कि किसी बकरे को आपकी जगह पकड़ा गया था, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन भी किसी की जगह ये जिक्र नहीं फरमाया। बस ज़िबह अज़ीम से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जिन्होंने गैर मामूली तौर पर अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल फरमाते हैं, इब्राहीम और उसके ख़ानदान ने ये मुजर्रब नुस्खा बताया कि तुम्हारी मौत ऐसी हालत में हो कि तुम मुसलमान हो। मौत का क्या पता है कि कब आ जावे, हर उम्र के इंसान मरते हैं, बच्चे बूढ़े उधेड़ मौसम में उधेड़ उम्र मौसम में जो तगैर हो रहा है वो खुदा तआला की तरफ से इंतज़ार है। शुरू साल में ज़मींदारों से सुना था कि वो कहते थे कि इस कदर गल्ला होगा कि समा ना सकेगा, मगर अब वो वही ज़िम्मेदार कहते हैं कि सर्दी ने फसलों को तबाह कर दिया है, आइंदा के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं, इसलिए ये वक्त है कि तुम खुदा ताला से सुलह कर लो और इस एक मुजर नुस्खा को हमेशा याद रखो, फला तुम यमूतमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना नहीं जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। मौत की कोई ख़बर नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त मुसलमान बने रहो। ये मत समझो कि छोटे से छोटे अमल की क्या ज़रूरत है और वो क्या काम आएगा, नहीं, खुदा ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता। फरमाया यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कोई एक ज़र्रे बराबर भी नेकी करे तो उसको भी अल्लाह ताला देखता है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं जब काफिर था तो अल्लाह की राह में खैरात किया करता था, क्या उस खैरात का भी कोई नफ़ा मुझे होगा। फरमाया असलमता अलामा असलफ़ता, तेरी वही नेकी जो तेरे इस इस्लाम को मुजिब हुई वो तेरे काम आ गई। एक हदीस में ये भी आता है, एक बूढ़ा वो मुशरिक था, वो चीलों वगैरह को बोटियाँ डाला करता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो उसको दुआ दी और उसके बाद वो उसी नेकी के बदले में ख़ुद मुसलमान हो गया। और जानवरों पर रहम भी अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही काबिल सताइश है और अल्लाह ताला इसकी कदर फरमाता है। अब ये आयत है, वलकद मनन्ना अला मूसा व हारूना व नजैनाहु व तक़ौमहुमा मिनल करबिल अज़ीम व नसरनाहुम फ़कानुहुमुल ग़ालिबीन व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन व हदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम व तरकना अलैहिम फिल अलैहिमा फिल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन। और यकीन हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया और उन दोनों को उनकी कौम और उनकी कौम को हमने बहुत बड़े कर्ब से निजात बख्शी और हमने उनकी मदद की, बस वही गालिब आने वाले बने। और हमने उन दोनों को एक रोशनी बख्श किताब अता फरमाई और दोनों को हमने सीधे रास्ते पर चलाया और हमने बाद में आने वालों में उन दोनों का जिक्र खैर बाकी रखा, सलाम हो मूसा और हारून पर। यकीनन हम इसी तरह एहसान करने वालों को जज़ा दिया करते हैं, यकीनन वो दोनों हमारे मोमिन बंदे थे। अब देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ आइंदा आने वालों ही को नहीं गुज़श्ता लोगों को भी पहुँचा है। कुरान करीम में ये सूरत है जिसमें बार बार सलाम भेजा गया है गुज़श्ता अम्बिया और उनके मानने वालों पर, और कोई किताब दुनिया की दिखा के दिखाएं, एक भी किताब कोई इलाही किताब कहलाने वाली नहीं होगी जिसमें दूसरे अम्बिया को सलाम भेजा गया हो। बस कुरान करीम
इन मानों से सब किताबों से अफजल है, बाकी वो तो एक दूसरे अम्बिया को झुटलाया है। लेकिन कुरान करीम न सिर्फ तस्दीक करता है बल्कि क़यामत तक उन पर सलाम भेजता चला जाता है। अब एक आयत है, इन्ना इलियासा लमिनल मुरसलीन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अला तत्तकून अतदून बालम व तज़रून अहसनल ख़ालिक़ीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लिसीन व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इलियासीन इन्ना कदालिक नज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन। और इलियास भी यकीनन मुरसलीन में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम तक्वा अख्तियार नहीं करोगे, क्या तुम बाल को पुकारते और पैदा करने वालों में से सबसे बेहतर को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद का भी, बस उन्होंने उसको झुटला दिया और यकीनन वो पेश किए जाने वाले हैं सिवाय अल्लाह के चुनीदा बंदों के, और हमने बाद में आने वालों में उसका जिक्र खैर बाकी रखा, सलाम हो इलियासीन पर। यकीनन हम इस तरह एहसान करने वालों को जजा दिया करते हैं, वो यकीनन हमारे मोमिन बंदों में से था। इसमें जो गौरतलब बात यह है कि इलियासीन क्यों फरमाया गया है, हज़रत इलियास तो एक थे, तो मुफस्सरीन लिखते हैं कि इलियास नाम के तीन नबी थे, इसलिए उनकी जमा लिखी गई है इलियासीन, कि इन तीनों सब इलियास नाम के जितने थे उन पर खुदा तआला का सलाम हो। एक इलियास तो वो थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले नाज़िल होना था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो यहूद ने आपका इनकार इसीलिए कर दिया कि इलियास कहाँ गया जिसने पहले आपसे उतरना था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहया अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया, यानी सामने वो बैठे तो नहीं हुए थे मगर उनका जिक्र करते हुए फरमाया कि वही इलियास है, तुम मानो या ना मानो। तो हज़रत ईसा से पहले इलियास थे। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए, अगर ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इलियास जिस्मानी तौर पर नहीं उतरे तो हज़रत ईसा भी फिर झूठे साबित हुए, तो हज़रत ईसा के जिस्मानी उतरने की वो कायल है, तो अपने ही दलील से वो काटे जाते हैं। वो या तो इलियास को भी जिस्मानी जिस्म के साथ उतरता दिखा दें, या इलियास की बजाय किसी और को इलियास समझें जो इलियास की बजाय आया। बस यही हाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर सादिक आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद दोबारा नहीं आएंगे, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो दूसरे नाम के हैं आप मसीह के तौर पर नाज़िल होंगे। फिर कुरान करीम सब मुरसलीन पर सलाम भेजता है, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सलाम हो सब मुरसलीन पर, और सब हम अल्लाह ही की है जो तमाम जहानों का रब है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे कादिर खुदा, ऐ मेरे प्यारे रहनुमा, तू हमें वो राह दिखा जिसे तुझे पाते हैं अहले सिद्क को सफ़ा, और हमें उन राहों से बचा जिनका मुद्दा सिर्फ शावात हैं या कीना या बूग या दिन की दुनिया की हिस्सो हवा। अम्मा बाद, ऐ सामेईन, हम सब क्या मुसलमान और क्या हिंदू, बावजूद सदा इख्तलाफात के उस खुदा पर ईमान लाने में शरीक हैं जो दुनिया का खालिक और मालिक है, और ऐसा ही हम सब इंसान के नाम में भी शराकत रखते हैं, यानी सब इंसान कहलाते हैं, और ऐसा ही बबायस एक ही मुल्क के बाशिंदा होने के एक दूसरे की पड़ोसी हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज है कि सफाए सीना और नेक नीयती के साथ एक दूसरे के रफ़ीक बन जाएं और दीन और दुनिया की मुश्किलात में एक दूसरे की हमदर्दी करें, और ऐसी हमदर्दी करें कि गोया एक दूसरे के आज़ा बन जाएं। ऐ हम वतनों, वो दीन नहीं है जिसमें आम हमदर्दी की तालीम ना हो, और ना वो इंसान है जिसमें हमदर्दी का मादा ना हो। हमारे खुदा ने किसी कौम से फ़र्क नहीं किया। ये पैगाम सुलह है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आखिरी तहरीर जो आपके विसाल के बाद शाया हुई थी, और इसमें हिंदुस्तान के लिए तमाम मसाइल का हल है।
अगर इंसान की हैसियत से इकट्ठा होना सीख लेते हिंदू और मुसलमान और ईसाई और मुशरिक सारे, तो खुदा के फजल के साथ हिंदुस्तान के मसाइल पैदा ही ना होते। वहाँ सारे तासुबात नस्ली और मजहबी हैं, और इस किस्म के तासुबात को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह कलम मौकूफ़ साबित कर दिया और फरमाया कि हमदर्दी करो। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई गैर मरता है ताउन से, तो तुम जाओ उसके घर और उसको कफनाने दफनाने में मदद करो। बस गैर मामूली तौर पर ताउन से बचने की तरफ भी तलकीन थी, लेकिन हमदर्दी का ये इतना ये आलम था। फरमाया कि अगर कोई गैर भी मर जाए ताउन से, तो तुम पहुँचो उसके पास और उसका जनाजा वगैरह पढ़ने में, उसको दफनाने में, नहलाने में काम आओ। अब लैलतुल कदर वाली आयत है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फजर। बकसरत नाज़िल होते हैं उसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब के हुक्म से हर मामला में, हर मामला में सलाम है। यह सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि उस दिन जो लैलतुल कदर की फजर हो उस दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। मुराद ये है कि इंसान की मौत तक ये सिलसिला जारी रहता है। जब एक दफ़ा लैलतुल कदर में अल्लाह ताला उसको बचा ले, उसको दिखा दे अपनी लैलतुल कदर, तो सुबह से मुराद उसकी मौत की सुबह है, जब अगले जहान में जाएगा। उस वक्त तक ये सिलसिला सलामती का उस पर जारी रहता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला सूरह अल-क़दर में बयान फरमाता है, बल्कि मोमिनीन को बिशारत देता है कि उसका कलाम और उसका नबी लैलतुल कदर में आसमान से उतारा गया है, और हर एक मुस्लिम और मुजद्दिद जो खुदा ताला की तरफ से आता है वो लैलतुल कदर में उतरता है। लैलतुल कदर से मुराद ये है ऐसी रात जिसमें बंदों की कदर की जाती है, यानी गुनाहों में डूबे हुए होने के बावजूद फिर एक सुबह फूटती है उसमें से। हर एक मुस्लिम और मुजद्दिद जो खुदा ताला की तरफ से आता है वो लैलतुल कदर में ही उतरता है। इसी लैलतुल कदर में खुदा ताला के फरिश्ते और रूहुल कुदस उस मुस्लिम के साथ रब्बे जलील के एजेंट से आसमान से उतरते हैं, ना आबस तौर पर बल्कि इसलिए कि तामुस्ते दिलों पर नाजिल हों और सलामती की राहें खोलें। सो वो तमाम राहों के खोलने और तमाम पर्दों के उठाने में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि जुल्मत गफलत दूर होकर हदायत नमुदार हो जाती है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बस तहरीरात मैं सुलह के मुतल्लिक आपस में सुलहकारी के मुतल्लिक बताता लिखता हूँ बयान करता हूँ। आपस में सुलहकारी इख्तियार करो, सुलह में खैर है। जब वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी झुक जाओ। खुदा के नेक बंदे सुलहकारी के साथ ज़मीन पर चलते हैं, और अगर कोई लगव बात किसी से सुने जो जंग का मुकदमा और लड़ाई की एक तमीज हो, तो बुजुर्गाना तौर पर तरह देकर चले जाते हैं, बड़े वक़ार से उनको सलाम कह के अलग हो जाते हैं, और अदना अदना बात पर लड़ना शुरू नहीं कर देते, यानी जब तक कोई ज़्यादा तकलीफ़ न पहुँचे उस वक्त तक हंगामा परदाजी को अच्छा नहीं समझते, और सुलहकारी के महल शनासी का यही असूल है कि अदना अदना बातों का ख्याल न लावें और माफ़ फरमाएँ। सुलहकारी की ये अलामत है कि ऐसी बेहूदा एजाज से चश्म पोशी फरमाएँ। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं, अपने नफ्सों के पाक करने का जहाद बाकी है, और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही बल्कि खुदा का यही इरादा है। सो मैं हुक्म देता हूँ कि जो मेरी फ़ौज में दाखिल हैं वो इन ख्यालात के मकाम से पीछे हट जाएं, दिलों को पाक करें और अपने इंसानी रहम को तरक्की दें। ये मौका ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि दोस्तों जहाद का छोड़ दो ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंग और कताल, इससे गैर अहमदी मौलवियों ने गलत मकसद मतलब निकाला और ये के बयान किया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस्लामी हुक्म जहाद की को मनसूख कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं हुई।
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो जहाद अकबर की तरफ बुलाते थे। सबसे बड़ा जहाद तो वो है जो अपने नफ्सों का जहाद है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किताल के जहाद से वापस आ रहे थे तो ये फरमाया कि हम जहाद असगर से अब जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। बस नफ्स के साथ जहाद, ये सबसे बड़ा जहाद है। फिर फरमाते हैं, तो मैं हुक्म देता हूँ कि जो मेरी फ़ौज में दाखिल हैं वो इन ख्यालात के मकाम से पीछे हट जाएं, दिलों को पाक करें और अपने इंसानी रहम को तरक्की दें और दर्दमंदों के हमदर्द बनें। ज़मीन पर सुरो फैला दें कि इससे उनका दीन फैलेगा, और इससे ताज्जुब मत करें कि ऐसा क्यों कर होगा, क्योंकि जैसा कि खुदा ने बग़ैर तवस्सुत मामूली इसबाब के जिस्मानी ज़रूरतों के लिए हाल की नई इजादों में ज़मीन के अनासर और ज़मीन की तमाम चीज़ों से काम लिया है और रेल गाड़ियों को घोड़ों से भी बहुत ज़्यादा दौड़ा कर तिखला दिया है, ऐसे ही अब वो रूहानी ज़रूरतों के लिए बग़ैर तवस्सुत इंसानी हाथों के आसमान के फरिश्तों से काम लेगा। बड़े बड़े आसमानी निशान ज़ाहिर होंगे और बहुत सी चमकें पैदा होंगी जिनसे बहुत सी आँखें खुल जाएंगी। तब आखिर में लोग समझ जाएंगे कि जो खुदा के सिवा इंसानों और दूसरी चीज़ों को खुदा बनाया गया था, ये सब खुद गलतियाँ थीं। तो तुम सब्र से देखते रहो, क्योंकि खुदा अपनी तौहीद के लिए तुमसे ज़्यादा गैरतमंद है, और दुआ में लगे रहो, ऐसा ना हो कि नाफरमानों में लिखे जाओ। ऐ हक के भूखो और प्यासो, सुन लो कि ये वो दिन हैं जिनका इब्तदा से वादा था। खुदा इन किस्सों को बहुत लंबा नहीं करेगा। और जिस तरह तुम देखते हो कि जब एक बुलंद मीनार पर चढ़ा रखा जाए तो दूर दूर तक उसकी रोशनी फैल जाती है, और यह जब आसमान की तरफ कि आसमान के एक तरफ बिजली चमकती है तो सब तरफें साथ ही रोशन हो जाती हैं, ऐसा ही इन दिनों में होगा। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो अलामात हैं उन्हीं के पूरे दिन होने के दिन आ रहे हैं, और अब ये बिजली की चमक की तरह जो इस्लाम अहमदियत खुदा और हकीकी इस्लाम फैल रहा है दुनिया में, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम तो अदना और जलील खादिम हैं। हकीकत यह है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए इस मौके पर, और यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब भी खुदा ताला की तरफ से फ़तह अज़ीम नाजिल होंगी तो इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार अपने लिहाज से भी करना चाहिए, ये सोच कर कि हमारी कोशिशों से नहीं हुआ, ये अल्लाह के फ़ज़ल से हुआ है। और इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए करना चाहिए कि वो जब हम में दाखिल हों तो हमारे बद नमूने से ठोकर न खा जाएं, या जब हम में दाखिल हों तो उनके बद नमूने से हम लोग ना बहक जाएं। अब मुसलमानों में जब कसरत के साथ ईसाई कौम में दाखिल हुई हैं तो ये गलत अकीदे यहूद और ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों में दाखिल हो गए जो बाद में मुसीबत का मूजिब बने। बस इस्तिग़फ़ार का हुक्म उसी वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया था, और यही मतलब था कि तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो अपने लिए भी और उनके लिए भी जो तुम में आते हैं, ना तुम्हारे बद नमूनों से उनको ठोकर लगे ना उनके बद नमूनों से तुम्हें ठोकर लगे। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ इलामात हैं। सलामुन अलैका, ये 83 का है। सलामुन अलैका या इब्राहीम, इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, तेरे पर सलाम है ऐ इब्राहीम, तू आज हमारे नज़दीक साहिब मर्तबा और अमानतदार और कवीउल अक़ल है। सलामुन अला इब्राहीम, साफ़ैनाहु वनज्जैनाहु मिनल ग़म, इब्राहीम पर सलाम, हमने उसको खालिस किया और गम से निजात दी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 18 सितंबर 1893 में लिखते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि अव्वल गोया कोई शख्स मुझको कहता है कि मेरा नाम फतह और ज़फ़र है, और फिर ये अल्फाज ज़ुबान पर जा रहे हुए असलहल्लाहु अमरी कुल्लहू, और फिर देख यानी अल्लाह ताला ने मेरा सारा काम अपने फ़ज़ल से ठीक कर दिए। फिर देखा कि मकान शबी मस्जिद में हूँ, यानी मकान की शक्ल की मस्जिद है, और एक अलमारी के पास खड़ा हूँ और हामिद अली भी खड़ा है। इतने में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने मियाँ अब्दुल्ला गजनवी को देखा कि बैठे हैं, और मेरा भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर भी बैठा है। तब मैंने नज़दीक
होकर उनको अस्सलाम वालेकुम कहा तो उन्होंने वालेकुम सलाम कहा और बहुत से दुआया कलमात साथ मिला दिए, जिनमें सिर्फ ये लफ्ज़ महफूज रहा, यानी जहन में यही याद रखे अखरक अल्लाह हो कि अल्लाह ताला तेरे सारे काम ठीक बना दे, अंजाम बखैर करे, मगर माने यही याद रहे कि उनके कलमात ऐसे ही थे कि तेरा खुदा मददगार हो, तेरी फतह हो। फिर मैं इस मजलिस में बैठ गया और कहा मैंने ख्वाब भी देखी है कि किसी को मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, उसने जवाब दिया वालेकुम सलाम व ज़फ़र। ये ख्वाब में ही ख्वाब का जिक्र फरमा रहे हैं, वाकई उन लोगों के पास नहीं गए थे, ख्वाब में ही कहते हैं कि उनको। फिर मैंने कहा कि मैंने ख्वाब में भी देखा था कि ऐसा वाक़या हुआ है। एक इनाम है 1900 का, अस्सलामु अलैका इन्ना अनज़लना का बुरहानुम व कानल्लाहु क़दीरन अलैका क़दीरन अलैका बरकातुम व सलामुन सलामुन क़ौलुम मिन रब्बिर रहीम। तुझ पर सलामती हो और हमने तुझे एक अज़ीम शान हुज्जत के तौर पर उतारा है और तेरा रब क़ादिर है, तुझ पर बरकात व सलामती हो, तुम पर उस खुदा का सलाम जो रहीम है। फिर फरमाते हैं गुज़श्ता शब को मुझे ऐलान हुआ सलामुन अलैका या इब्राहीम, सलामुन अला अमरिका सिरता फ़ायज़न, ऐ इब्राहीम तुझ पर सलाम, तेरे कारोबार पर सलामती हो, तू बा मुराद हो गया। आसद बज़ अपनी जमात को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम लेक्चर लाहौर में ये नसीहत फरमाते हैं, बस उठो और तौबा करो और अपने मालिक को नेक कामों से राज़ी करो और याद रखो कि इतकादी गलतियों की सज़ा तो मरने के बाद है और हिंदू या ईसाई या मुसलमान होने का फ़ैसला तो क़्यामत के दिन होगा, लेकिन जो शख्स ज़ुल्म और तअद्दी और फिस्क व फुजूर में हद से बढ़ता है उसको इसी जगह सज़ा दी जाती है, तब वो खुदा की सज़ा से किसी तरह भाग नहीं सकता। तो अपने खुदा को जल्दी राज़ी कर लो और कबल इसके कि वो दिन आ जाए, वो खौफनाक दिन है, तुम खुदा से सुलह करो, वो नहायत दर्जा करीम है, एकदम के गुदास करने वाली तौबा से सफ़र पर 70 बरस के गुनाह बख्श सकता है। और ये मत कहो कि तौबा मंजूर नहीं होती, ये 70 बरस के गुनाह से मुराद लैलतुल क़द्र ही है। तौबा मंजूर, याद रखो कि तुम अपने अमाल से कभी बच नहीं सकते, हमेशा फ़जल बचाता है ना अमाल। ऐ खुदाए करीम और रहीम, सब पर फजल कर, हम तेरे बंदे और तेरे आस्थाने पर गिरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر। MTA International, reaching the corners of the earth.